फ्रेंड्स देखिए मेरा बेटा गया है फूल टिपने के लिए। फ्रेंड्स बच्चे हो गए हैं फूल खेलने के लिए तैयार, और अब फूल खेलने के लिए जा रहे हैं। जिनके जिनके घर बच्चे फूल खेलने के लिए गए हैं, चावल दिए हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने खज बना दिए हैं, और ये रहे खज। नमस्कार, पहलाग मिर्स रूम, मैं प्रेरणा कड़ाकोटी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज फूल डे है, तो फूल डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फूल डे जो कि हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है। तो जैसे कि बसंत ऋतु के आगमन पर हमारे हमारे उत्तराखंड में फूल डे त्यौहार मनाया जाता है, जो कि लोक पर्व है हमारा, और हम इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे फूल खेलने के लिए जाते हैं और फूल डे छम्मा डे के नाम से ऐसे घर घरों में जाकर बोलते हैं, और उसके बदले चावल या गुड़ या पैसे देते हैं, और बच्चे बहुत ही मजे करते हैं इस दिन, और बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है हमारे गांव में। जहाँ मतलब जहाँ जहाँ पे भी उत्तराखंड में सभी जगहों पे, लगभग सभी जगहों पे मनाया जाता है। आपको भी फूल डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। फ्रेंड्स देखिए मेरा बेटा गया है फूल टिपने के लिए। आज फूल डे के अवसर पे फूल ला रहा है। बेटा हो गया हो गया हो गया, बहुत सारे फूल ले लिए। हाँ आजा। और फ्रेंड्स आज का मौसम देखिए, मौसम बहुत ही साफ हो चुका है अभी तो। कल रात को बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, और आज मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत ही ठंडा है मौसम आज। तो आज फूल डे भी है, उसी के साथ साथ में मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। बट बारिश की वजह से सारे फूल झड़ गए हैं आज, नहीं तो कल तक यहाँ पे बहुत ही पीले पीले फूल बहुत सारे हो रहे थे, और आज सारे झड़ चुके हैं बारिश की वजह से। तो यह है आज का मौसम भी। बस बच्चे हो गए हैं फूल खेलने के लिए तैयार, और अब फूल खेलने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी दहली में फूल खेलेंगे, तो आओ चलो भाई यहाँ से अंदर को, बाहर से अंदर को, ऐसे आप भी आओ, आप भी आओ बाहर से अंदर को, बाहर से अंदर को। हाँ बोलो, मुँह से भी बोलो भाई, फूल 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 बोलो। बस बस हो गया, सारे फूल यहाँ पे गिर दोगे। चलो अब पहले लता दीदी के घर चल जाओ, फूल फूल बोलना वहाँ पे से, ठीक है। बच्चे आ गए हैं फूल खेल के, और ये बच्चे चावल लाए हैं। जिनके जिनके घर बच्चे फूल खेलने के लिए गए हैं, चावल दिए हैं। तो इनसे जो ये चावल होते हैं, इनसे बाद में इन चावलों से बनाया जाता है खज, बोलते हैं हम लोग, खज बनाए जाते हैं। तो इसको बनाएंगे खज, हम कैसे बनाएंगे इसको, चीनी के साथ बनाते हैं। जैसे पहले चावल को भिगा देते हैं, उसके बाद इनको भून देते हैं, और चीनी को भी इसके साथ साथ में भून देते हैं, तो उसे हम खज बोलते हैं। तो वो बनाया जाता है इन चावलों का। और अच्छा, यही इसीलिए मतलब पहले से पता नहीं क्या रिवाज था कि जो ये चावल होते हैं इनके सारे खज बनाए जाते थे, फिर एक दूसरे के घर में बांटे जाते थे। तो ये परंपरा चली आ रही है, और आज बच्चे भी यहाँ पे खेलने के लिए गए, और अब लैपटॉप पर बैठ गए हैं। बस यही काम है बच्चों का, लैपटॉप पर घर में रह के, टीवी लैपटॉप फ़ोन यही सब कुछ। तो आ गए हैं खेल के। अब कर क्या रहे हो? अच्छा ड्राइंग चल रही है। तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है दोपहर, और जो बच्चे लाए थे फूल खेल के, जो चावल लाए थे, और मैंने सोचा कि चलो इनको भिगा लेते हैं, और आज शाम को इनकी खज बनाएंगे। तो क्योंकि शाम को इनका खज बनाते हैं, तो मैंने अभी भिगाने के लिए रख रही हूँ चावल को। और ये रहे चावल, पतीले में ले लिए हैं मैंने, और इनको धो के ले आती हूँ साफ़ करके, और फिर भिगाने रख दूँगी शाम तक, फिर उसके बाद मैं इनको भूनूंगी। चावल धोकर ले आई हूँ, अब मैं इसमें पानी रख देती हूँ। देखिए चावल पूरे डूब चुके हैं, और इतना ही पानी रखूँगी इसमें, इतना ही पानी सोख कर पाएंगे ये चावल। और इसको ढक के रख देती हूँ, फिर सीधा शाम को खोलेंगे। फ्रेंड्स देखिए मैंने खज बना दिए हैं, और ये रहे खज। ये इसमें मैंने तिल डाल रखे हैं, भूरे वाले तिल हैं, इसके हम चटनी बनाते हैं हम लोग। और
भूरे वाले तिल के साथ चीनी और चावल है, और इस तरह से मतलब चावल हल्के हल्के देखिए इस तरह से हल्का हल्का पके हैं, जो कि चबाने में अच्छे लगते हैं, तो इस टाइप से पके हुए हैं। तो ये है फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है रात, और जैसे कि आज है चैत्र महीना लग चुका है आज से, और आज एक गते है चैत्र महीने की, फूल दे है। तो हमारा जो महीने हैं, हमारे जो महीने हैं हिंदुओं के, भारतवर्ष के, तो वो चैत्र वैशाख करके इस टाइप से चलते हैं। तो आज से हमारा साल स्टार्ट होता है, और जो जनवरी फरवरी हैं वो तो जैसे हम लोग उसी को ज़्यादा वो करते हैं, उसी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसी को ज़्यादा मानते हैं, तो वो है अंग्रेज़ों की देन है। तो जनवरी फरवरी अंग्रेज़ों की देन है, अंग्रेज लोगों ने जनवरी फरवरी बताया, और हम लोगों का जो है वो चैत्र वैसाखी है। तो आप सभी को चैत्र महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।